हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडेंसर को कैसे चेक किया जाता है। ये कैपेसिटर है, इसको कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें लास्ट तक। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बहुत आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है लाइट पर इसको कंडेंसर को चेक करने का कि ये जला हुआ है या ठीक है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ये काला पड़ रहा है, यहाँ से ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे ये कंडेंसर सही है या गलत। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो मल्टीमीटर होता है उससे भी इतना अच्छा चेक नहीं होता है जितना इसको हम लाइट पे चेक करेंगे। और चेक करने की कुछ निशानियाँ हैं, वो जाने कि ये सही है या गलत है। तो वीडियो को पूरी देखते रहें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या करना है, ये कंडेंसर आपका कोई सा भी हो, ये रनिंग कंडेंसर 50 MFD का हो या आपका 36 MFD का हो, सिंगल फेस का हो आपका मोटर, तो उसमें ज़रूर होगा ये कैपेसिटर। दोस्तों, तो मोटर चल नहीं पाती है तो इसको चेक कर लें आप, तो बिना इसके कैपेसिटर के मोटर नहीं चलती है। तो नहीं चले तो आपकी मोटर, इसको पहले लाइट पर चेक कर लें जैसे हम करेंगे इसको। तो वीडियो को देखते रहें दोस्तों ध्यान से। क्या करना है आपको, दोनों मुंह छीलने हैं और मुंह छील के आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें लगा देनी है इसको। ये देखते रहें दोस्तों इसमें आवाज़ आ रही होगी आपको। अब क्या करना है, इसमें निकाल के और दोस्तों इन आपस में इसको देखते रहें दोस्तों। ऐसे ही आपको चेक करना है। दोबारा देखें दोस्तों, आपको क्या करना है, एक तार इसमें लगा देना है, इसमें ये यहाँ पे। ये सबसे अच्छा और बढ़िया दोस्तों कंडेंसर को चेक करने का तरीका है। कंडेंसर को चेक कैसे करते हैं देखें, ये देखें इसमें लाइट जल रही है दोस्तों। और निकालने इसमें दोनों को, और दोस्तों ये अब इसको आपस में मिला दें दोनों को। ये देखें दोस्तों, ये आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, इसको कैसे चेक किया जाता है, दोस्तों इसको चेक करने का तरीका ये सबसे अच्छा है। अगर आपके इसमें चिटकारी नहीं हो रही हो, स्पार्किंग नहीं हो रही हो इस बोर्ड में लगा के, तो दोस्तों आपका कंडेंसर बिल्कुल ख़राब है, वो चलने का नहीं है और उसमें फॉल्ट है कंडेंसर में अंदर। तो कंडेंसर को चेक करने का ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी दोस्तों। तो कैसा भी कंडेंसर हो दोस्तों, इसको आप चेक कर सकते हैं लाइट पे, बस लाइट होनी चाहिए। पर आपको करना दोस्तों इसे लाइट पे ही है, इन्वर्टर पे नहीं करना। अगर आप इन्वर्टर पे करने लगे तो दोस्तों इन्वर्टर के मॉस्फेट को ये फूंक देता है, ये मॉस्फेट फूंक जाते हैं दोस्तों, इसका लोड होता है। तो आप कंडेंसर को चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ दोस्तों 1 सेकंड में आप इसको कंडेंसर को चेक करें लाइट पे, ये सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।